प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में सभी विश्वासी भाई बहन जो ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हैं हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया और जहां कहीं से भी सभी विश्वासी जन जो जुड़े हैं, हम आप सबका इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास और आशा है कि परमेश्वर जरूर हमारा इकट्ठा होना आशीषित करेंगे। भले ही हमारे लिए कोई स्थल ओपन नहीं है इन दिनों में, पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सभी के लिए अवेलेबल है प्यारा, क्योंकि उसका वचन कहता है, हमें सिखाता है कि मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठा होंगे उनके बीच में अवश्य मौजूद रहूँगा। और प्यारो, आपके परिवार में और आप अकेले हो, जहाँ कहीं भी हो, हम सब आत्मा में एक होकर जब प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हो पाए हैं, आइए इस वर्शिप सर्विस की शुरुआत करेंगे। हम धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु तूने फिर से एक और दिन हमारे जीवनों में जोड़ दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उसके लिए। आप कह सकते हो, परमेश्वर हमारी भलाई या हमारी अच्छाई या हमारे पद को नहीं देखा प्रभु, पर तूने अपने अनुग्रह से, अपनी दया एवं भरपूर कृपा से, दया से हमसे व्यवहार करना जारी रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरा प्रेम आज भी हमें थामे हुए है, तेरा वो प्रेम हमें किसी भी बात से अलग नहीं कर सकता है, और इसीलिए हमारे लिए ये रास्ते खुले हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हाथों को उठाकर आप प्रभु का धन्यवाद करें। आपको लग रहा है घुटनों के बल आ जाऊं, आप घुटनों पर आ सकते हो। ऐसा महसूस ना करें कि चलो एक रिवाज की खातिर चलो हम फिर से ये ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई है, पर प्यारो अपने आप को ले जाइए। ये आपका चुनाव है कि आप सांसारिक बातों में उलझे रहो, आप बैठे हो वर्शिप सर्विस में फिर भी आपका दिमाग कहीं और घूमता रहे, ये आपकी और मेरी चॉइस है प्यारो। हमें अपने आप को लाना है उस जगह पर, उस वेदी के सामने जहां पर हमारा परमेश्वर हमारी राह देख रहा है, जो चाहता है कि हमें बहुतायत से अपनी आशीषों को उंडेल दे हमारे ऊपर, जो चाहता है कि हमारे जीवनों को और भी नए आयाम पर ले जाया जाए, जो चाहता है कि वो अपनी उपस्थिति का अनुभव हमें करवाए। प्रार्थना में बने रहे प्यारो, अपनी आंखों को बंद करें। आपको लग रहा है हाथों को उठाकर मैं प्रभु को महिमा देना चाहता हूं, आप हाथ उठाए प्यारो, अपने आप को बांधे न रखे। आप अपने घर में बैठे हो पर पवित्र आत्मा आपके सामने उपस्थित है, आपके साथ है, आपके भीतर है। अपने आप को शामिल कीजिए प्यारो, डोंट बी इनएक्टिव, निष्क्रिय रूप से बैठे न रहे, पर अपनी आत्मा को जगाकर अपने आप को शामिल करें, उस प्रेजेंस में धन्यवाद के साथ खुद को ले जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे बल के लिए, जो पिछले दिनों में हमें टिकाए रहा ऐसी भारी मुसीबतों में, संसार में फैले हुए भय में आपने हमको टिकाया है प्रभु, हमें सलामत रखा है प्रभु। भारी आंधी और तूफानों में तूने हमारे परिवारों की रखवाली की है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। चाहे वो जीवन के तूफान हो या जीवन के बाहर चल रहे तूफान हो, परमेश्वर हर बात को कंट्रोल करने वाला खुदा है, और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपका नियंत्रण हमारे जीवनों में जारी रखा है परमेश्वर। फिर से जब ये मौका मिला है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए हमें तैयार करें। विशेषकर हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हर गुनाह, हर वो पाप, हर वो गलती जो परमेश्वर हमने बार बार आपके कहने के बावजूद दोहराना जारी रखा है, हमें माफ करें उन पापों के लिए परमेश्वर। उन बातों को हमने संसार में चुना जब हमें आपको चुनना था, हमें माफ करें परमेश्वर। पहला स्थान जब आपको देना था, हमने आपको दूसरा, तीसरा या और कोई और स्थान दिया, हमें माफ करें प्रभु, हमें क्षमा करें प्रभु। अगर हम ट्रेडिशनली
आराधना करने के आदि हो गए हैं, प्रभु हमें माफ करें, पर हमें तेरी उपस्थिति में पूरी गंभीरता के साथ बने रहने का अनुग्रह दे। प्रभु तेरा लहू जो शुद्ध करता है, उस पाक लहू से हमें शुद्ध कर। प्रभु हमारे विचारों को, हमारे मनों को, हमारे शरीरों को शुद्ध कर प्रभु, ताकि हमारे अर्पण प्रभु पवित्र और तेरी नजरों में मान्य हो पाए। हमारा हृदय परमेश्वर खाली कर परमेश्वर, कोई भी ग्रज, कोई भी अक्षमा, कोई भी गलत विचार हमारे हृदय में न रहे प्रभु, पर खाली हृदय के साथ तेरे सामने उपस्थित हो प्रभु। सिर्फ तू हमारे हृदय में बसे, तेरी महिमा हमारा मकसद हो। हमारी प्रार्थना आपके चरणों में लाते, इसे आशीषित करे प्रभु इस समय को, सुनने वाले और जुड़े हुए हर एक दर्शकों को प्रभु, हर एक विश्वासियों को आप आशीषित करें परमेश्वर, और आपकी महिमा हमारे जीवनों द्वारा आप करें प्रभु। जहां भी हम हैं, जहां भी हम गाए, जहां भी हम हाथ उठाए, जहां भी हम चुप बैठे, प्रभु तेरी महिमा उन स्थानों में हो और तेरी महिमा उतर आए वहां पर बहुतायत से। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से लाते, आपके चरणों में से कबूल करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम मिलकर के गाएंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हालेलुया, सच में यीशु जैसा सहारा, यीशु जैसा प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। वो अब तक हमारे साथ रहा है और हमें चलाया है, आगे भी वही हमारा मददगार और सहारा है। आइए हम उसको धन्यवाद दें उसकी फेथफुलनेस के लिए, उसके प्रेम के लिए। नया है दे दिया।
परमेश्वर वो है जिसके लिए दाऊद ये कहता है कि चाहे मौत की गहराई में से भी होकर मुझे गुजरना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू ही है जो सुखदाई जल के पास आखिर में मुझे ले जाता है, तू ही है जो मेरी भलाई और मेरी शांति को चाहता है, तू ही है जो अपनी विश्वास योग्यता से मुझे घेरे हुए रहता है। और इसलिए दाऊद कहता है कि निश्चय मुझे निश्चय है कि भलाई और दया सदैव मेरे साथ बनी रहेगी, क्योंकि मेरा प्रभु जिस पर मैं विश्वास करता हूं वो विश्वास योग्य प्रभु है, जिस पर मैं ईमान लाया हूं, जिसको मेरा जीवन समर्पित किया है, वो अंत तक, जीवन के अंत तक नहीं पर अनंतता तक निभाने वाला खुदा है। ओ यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमें विश्वास है कि करुणा, भलाई और दया निश्चय सदैव हमारे साथ बनी रहेगी परमेश्वर, और हम ये सब कुछ देखेंगे हमारी आंखों से प्रभु, चाहे दुनिया में जैसी भी परिस्थितियां खड़ी हो जाए, संसार बदल जाए, आसपास के लोग बदल जाए, हमारा आधार जिन पर हम रख कर खड़े हैं वे लोग हट जाए, पर तू हटने वाला नहीं है परमेश्वर, क्योंकि तू विश्वास योग्य खुदा है परमेश्वर। और इसलिए प्रभु हम विश्वास से कहते हैं, प्रभु हम हाथ उठाकर गाएंगे, तेरा नाम ऊंचा रहे, क्योंकि तेरे नाम को कोई झुका नहीं सकता है परमेश्वर, किसी ने उठाया नहीं है, तेरा नाम ऊंचा ही है परमेश्वर। ओ प्रभु, ये तो मौका, ये सौभाग्य हमें दिया है परमेश्वर कि हम उस ऊंचे नाम की महिमा करें परमेश्वर। ओ यीशु धन्यवाद, तू ही है जिसने हमें मौत से बचाया है, नया जीवन दिया है, और प्रभु तू कितना प्यारा खुदा है, तू कितना सामर्थ्य है कि हमारे नाम को लेकर तू पुकार लेता है परमेश्वर। ओ हालेलुया, रे बासा खालो मारा,
प्रभु परिस्थितियां कैसे भी बदलती रहे, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन तू मेरा भरोसा है और तू ही मेरा सहारा है। मेरे मुश्किल दिनों में तू मेरा दिलासा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुझसे बढ़कर और कोई नहीं जो मुझसे प्यार करे। हमारा मन किया वैसा हमने चुनाव किया, लेकिन जब दुख का समय आया तब प्रभु की ओर देखा। प्रियो, ऐसा समय प्रभु के सामने ना आने दे। आज प्रभु से कहिए, मेरे सुख में, मेरे खुशी के दिनों में, मेरे आनंद के समय में, मेरे दुख के समय में, मेरे आंसू के समय में, मेरी मुश्किल के समय में, हर एक समय में तू ही मेरा भरोसा रहा है प्रभु, तू ही मेरा भरोसा रहेगा प्रभु। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तेरा राज मेरे खुशी और आनंद के समय में भी हो मेरे दिल में, तेरा राज मेरे दुख के समय में भी हो मेरे दिल पर, और कोई नहीं प्रभु। आइए मेरे साथ, आप सहमत है तो कहिए। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज्य, आदर और महिमा
तेरा नाम जीवन देता है, तेरे नाम में आशा है, तेरे नाम में लोग शांति पाते हैं, तेरे नाम में लोग चंगाई पाते हैं, तेरे नाम में लोगों को मुश्किलों से हल मिलता है। इस दुनिया में और कोई नाम नहीं जो यीशु के नाम से बढ़कर, बहुत सारे नाम हैं इस दुनिया में, लेकिन यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, हम यीशु नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, उसी नाम में हमारे लिए सब कुछ, हमें असंभव दिखे लेकिन असंभव को संभव किया है। उसी नाम में बंद राह है हमारे लिए खुल गई है। हालेलुया, वो ही नाम हमें दिलासा देता है, वो ही नाम हमें आगे बढ़ाते हैं। आइए हम उस नाम को धन्यवाद देते हुए और आज एक हियाव के साथ और एक विश्वास से कहिए, मुश्किलें कितनी भी हो लेकिन यीशु के नाम में, यीशु में असंभव कुछ भी नहीं है। राहें कितनी भी कठिन हो लेकिन मंजिल एक दिन आएगी। हालेलुया, प्रियो यीशु का नाम हमारे लिए सब कुछ है। कई बार प्यारो जीवन में ऐसे समय आते हैं कि ऐसा लगता है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे जीवन को कैसे चलाया जाए। पर प्यारो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी किताब होता है उसका पहला पन्ना भी होता है और उसका आखिरी पन्ना भी होता है। पहला पन्ना फट जाने से या शुरुआत के पेज फट जाने से ऐसा नहीं है कि वो किताब पूरी हो गई है, अभी और भी बाकी है। और जब हमारा परमेश्वर यह कहता है कि मैं अल्फा हूं और मैं ओमेगा हूं, हम क्या विश्वास कर सकते हैं प्यारों? सब कुछ उसके हाथ में है, हमारा भविष्य भी आप और मैं सोच नहीं सकते हैं ऐसा भविष्य वो दे सकता है। मूसा अगुवाई करते करते जब उसका अंतिम समय आया, मृत्यु हुई, आगे कौन ले जाएगा? प्रभु परमेश्वर ने वहां पर यहोशू की किताब में लिखा है कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, नाउ यू गेट अप, तू खड़ा हो जा, यू कैन, तू कर सकता है। और प्यारो परमेश्वर ने आगे बढ़ने के लिए उससे प्रॉमिसेस दिए, वायदे किए। कैसे वायदे किए प्यारो? सोच सकते हो प्यारो? लिखा है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। प्रभु ने कहा जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा। दुनिया में धोखा देने वाले लोग अनगिनत मिलेंगे, पर प्रभु के राज्य में परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। हालेलुया, धोखा नाम का शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है प्यारो। लिखा है वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा और न तुझको छोड़ूंगा, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। आगे बढ़ने के लिए हिम्मत की जरूरत है, और हिम्मत परमेश्वर के वायदों से मिलती है प्यारो। और जब हम हियाव बांध कर खड़े हो जाते हैं, प्रभु भी ठान लेता है कि मैं इसके द्वारा क्या न कर डालू। और हम देखते प्यारो कि यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने क्या क्या बड़े काम किए प्यारो। बाइबल कहता है कि 31 राजाओं को, कनान देश के 31 राजाओं को उसने हरवाया। हालेलुया, कितना महान खुदा है। और वो राजा ऐसे वैसे राजा नहीं थे प्यारो, बड़े बड़े कद के राजा थे जिनके सामने यहोशू टक्कर लेने वाला था। प्यारो आप ये ना सोचे कि परिस्थिति मुश्किल है, कठिनाइयां नहीं आएगी, समय असंभव लगेगा आगे बढ़ने के लिए, चाहे बंधन बढ़ जाएंगे, पर परमेश्वर के वायदे अगर हम देखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं प्यारो। हमारे लिए रास्ते खुलेंगे प्यारो, रास्ते ना हो वहां पर रास्ते बनाने वाला खुदा हमारे साथ रहेगा। इसलिए उसने यहोशू को कहा तेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हालेलुया, वो खुदा आपको और मुझको भी अपने वायदे से घेरे हुए है। वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, तुम अकेले नहीं रहोगे। हालेलुया, वो हमारे साथ रहेंगे। बस हमें विश्वास से आगे बढ़ना है प्यारो,
फतेह हमारी है। आमीन। क्या विश्वास करते हो इस गाने में, इस नए गाने में आप जुड़ सकते हो। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी प्यारो, मंजिल आकर रहेगी। अगर आपकी राह यीशु है तो वो मंजिल आएगी जो आपको बड़ी आशा देगी प्यारो। हालेलुया। एक अद्भुत आनंद में आपको ले जाएगी प्यारो। हालेलुया। आइए मेरे पीछे विश्वास से कहिए, एक बार जोर से बोलिए, आप जहां भी हैं, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी कठिन हो, मंजिल एक दिन आएगी। हालेलुया। मसीह की राह पर चलते हैं प्यारो, ऐसा नहीं है कि साजिशें नहीं होगी, कारावास नहीं होगा, बाहर नहीं होंगे, समुंदर नहीं होंगे, ये सब कुछ हमें उस मुकाम तक ले जाएगा प्यारो। अगर आप इसके आगे रुक जाओगे, समुंदर के आगे, कारावास के आगे, तो वहां तक जहां हमें प्रभु ले जाना चाहता है वो कैसे देख सकते हैं हम प्यारो। यही वो रास्ता है जिसमें कारावास भी है, साजिशें भी है, समुंदर भी है, पहाड़ भी है, पर इनसे सबसे बड़े अगर कोई बात है तो वो है उसके वायदे, उसके वचन और पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करता है प्यारे। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ोगे आपको पता चलेगा इतनी हकुमतें आई जिन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी साजिशें की पर प्रभु के किसी भी दास को वो बांध कर नहीं रख सकी। शेरों की मांद में डाला गया, उनको बांधने के लिए साजिशें की गई पर एक भी साजिशें सफल नहीं होने पाई प्यारो, क्योंकि जिसके लिए परमेश्वर ठान लेता है
वो परमेश्वर अपने मनोरथों को पूरा करता है प्यारे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। रास्ते में पहाड़ आए, नदी आए, समुन्द्र आए, प्रभु को पता है मुझे सामने पार इनको लेकर जाना है और वो लेकर जाएगा प्यारो। कारावास आए, साजिश आए, पहाड़ आए, समुन्द्र आए, डरे नहीं, विश्वास से प्रभु के वायदों की ओर नजरे करें, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे प्यारो। और वो ही परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि असंभव आपके लिए, जब आप मेरी राह पर चल रहे हो, कुछ भी आपके लिए संभव नहीं है। मंजिल आनी ही आनी है, विश्वास से हमें चलना है, विश्वास से जुड़िए प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे मन में राई के दाने के जितना छोटा विश्वास भी हो और आप कहें कि यह पहाड़ उखड़कर समुद्र में पड़ जाए, तो वह हो जाएगा। आप कहिए, विश्वास से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। कर सकती है। उस समय मैंने उन भाई साहब की बातों को एक्सेप्ट नहीं किया,
कि अगर मैं चल नहीं पाई तो, अगर मैं लंगड़ा कर चली तो मेरा क्या होगा, मेरा पूरा लाइफ ऐसा बीत जाएगा। मैंने उस बात को नहीं स्वीकार किया, लेकिन उन भाई साहब को मैंने विश्वास दिलाया कि नहीं भाई साहब, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं 15 दिन के अंदर चलूंगी। डॉक्टर ने मुझे कहा था आप 1.5 महीने के बाद खड़े होंगे, लेकिन मैंने यह विश्वास किया था कि मैं 15 दिनों के बाद उठ खड़ी होंगी। मेरे घुटने के पटेला फ्रैक्चर बोलते वो हुआ था, और सच में जैसा मैं देखना चाहती थी विश्वास से वही हुआ। 15 दिन के बाद मैं धीरे धीरे चलने लगी, और 2 महीने के बाद पूरी तरह से सामान्य रीति से चलने लगी, और फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। आज मैं पहले ही की तरह दौड़ती हूँ। वो एक्सीडेंट, वो घटना मेरे चाल को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाई। प्रिय, आप जो देखना चाहते हो वो ही विश्वास से बोलिए। जो लोग कहते हैं आप लंगड़े हो जाओगे, उसको आप एक्सेप्ट मत करिए। अब ऐसा हो जाएगा उसे आप एक्सेप्ट मत करिए। आप कहिए मेरा प्रभु जीवन देता है, मेरा प्रभु मुर्दों से जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है, नहीं चलाता ही नहीं दौड़ाता है, अंधों को वो देखता करता है, गूंगों को बोलता करता है। वो परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, मेरे साथ विश्वास से कहिए। विश्वास से जो बोलेंगे आंखों से वही देखेंगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। और आज विश्वास से मेरे साथ गाइए, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और साथ में यह भी कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। ये पहाड़ उखड़ जाए, के सामने कोई भी रुकावट नहीं, मेरे साथ कहिए ये पहाड़ उखड़ जाएंगे।
जो कहोगे वो होगा सफल, विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल, विश्वास जो बोलोगे आंखों से विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। आपने जिस बात के लिए विश्वास किया है, परमेश्वर का वचन कहता है अगर सच में आपने उस पर भरोसा किया, विश्वास किया है, विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु, तूने हमारी विपत्तियों में हमारे दुख और तकलीफों के लिए रास्ता बताया, हमारे लिए रास्ता किया है प्रभु। कितना गहरा प्यार है। सच में प्रभु, तेरा वचन ही हमको राह बताता है, तेरा वचन ही हमारे लिए मार्ग खोलता है, तेरा वचन जैसा लिखा है दो धारी तलवार के समान है, वो हर चीज को काटता, भेदता, छेदता है, आर पार करता है। तेरा वचन अति मूल्यवान है, तेरा वचन अति सामर्थ्य है। और आज सुबह मैं और हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। प्रियो, आपने जिस भी बात के लिए विश्वास किया है, आप कह सकते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन तेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। मैं आज सुबह तेरे वचन पर भरोसा करता हूँ। तेरा वचन सामर्थ्य है, तेरा वचन राह बनाता है, तेरा वचन मुर्दों को जिलाता है। बाइबल कहती है कि तूने अपने से भी अधिक प्रिय अपने वचन को जाना है। ये वचन आज मुझे भी एक नई आशा दे रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और इसलिए हमारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। मुश्किलें कठिनाइयां कुछ भी हो प्रभु, आपके वचन के अनुसार वो हमारे आगे घुटने टेकेंगे। हम नहीं, हम मिट नहीं जाएंगे पर यहोवा की महिमा करते रहेंगे। और प्रभु तेरी ये बातें हमारे जीवन के अंत तक पूरी होती रहेगी प्रभु। थैंक यू डैडी, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी अगुवाई के लिए प्रभु। आराधना में पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, हमें वो बातें दिखाने के लिए जो शायद हमें असंभव लगती थी वो संभव दिखाने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हमारे दिलों को आपके सामर्थ्य, आपकी शांति से भरने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी आराधना के शब्द, धन्यवाद के शब्द, हमारी स्तुति, सब कुछ आपके चरणों में रखते इसे कबूल कीजिए प्रभु, इसे स्वीकार करें प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।